खबर हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा में नतीजों का वक्त बेहद करीब है। उससे पहले दावों का दौर भी जारी है। भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार पर दावा किया है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि हुड्डा ने एक बार फिर से इशारों में मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर से अपनी दावेदारी की है। देखिए, रिजल्ट से पहले अपनी अपनी दावेदारी सबकी चल रही है। कुछ प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ से दावेदारी चल रही है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का अब हुड्डा का ये आया है, कह रहे हैं कि युवाओं को मौका के सवाल पर बोले हैं कि मैं क्या हूं। नतीजों से पहले कांग्रेस में सीएम पद की यह दावेदारी रसाकशी। सर, आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, अपना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर नहीं हैं। मैं टायर हूं ना, रिटायर हूं। तो हैट्रिक लगाने को तैयार है? सर, हैट्रिक लगाने को तैयार है या टायर रिटायर नहीं है? मौसमी सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, ना रिटायर हूं ना टायर हूं, तो फिर क्या है हुड्डा, क्या इशारा कर रहे हैं? दीपेंद्र हुड्डा या फिर खुद, या फिर क्या सिनेरियो है इस वक्त? देखिए, यहाँ पे सीनियर हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमर कस ली है। किसी भी रूप पे वो आपको देखिए तो बैकफुट पर नजर नहीं आ रहे। काफी उत्साहित और आत्मविश्वास से सराबोर होके पहले जूनियर हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद सीनियर हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि यहाँ पे उन्होंने, दीपेंद्र हुड्डा ने भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की हो, लेकिन टायर्ड और रिटायर्ड होने की बात जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की, तो उससे सीधा संदेश ये देने की कोशिश है कि वो सीएम की रेस में बिल्कुल डट कर खड़े हैं। हालांकि फैसला पार्टी आला कमान करेगी, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें लिया जाएगा, लेकिन किसी भी रूप में पीछे हटने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि जब सवाल उनसे पूछा गया कि क्या किसी नौजवान को आप मौका देंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं क्या लगता हूँ आपको। तो एक तरीके से बड़े ही अपबीट मूड में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये जवाब देते हुए। मौसमी, आप जुड़े रहिए, फौरन आपका हम रुख करेंगे। इस बीच सुरजेवाला क्या कह रहे हैं उनको सुन लेते हैं। कांग्रेस का बड़ा चेहरा है सर, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? सुरजेवाला जी, आप कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, आप चुनाव नहीं लड़ रहे? पार्टी निर्णय करे, जो पार्टी ने निर्णय किया वो हम सब ने स्वीकारा। उसका ये मतलब नहीं है कि सरकार चलाने की आकांक्षा नहीं है। हर वो व्यक्ति जिसके पास स्टेट को लेकर विजन है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो दृष्टि है जिससे मैं हर खेत को पानी, हर हाथ को काम और हर दुकानदार और व्यवसायी को बेखौफ अच्छी जिंदगी, दलित और पिछड़े साथियों को मेन स्ट्रीम में लाकर आगे बढ़ने का रास्ता मैं खोल सकता हूं। युवा जो हमारे बेटे और बेटियां आज विदेश जाने को मजबूर हैं, हम उनके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। पर व्यक्तिगत आकांक्षा कभी भी पार्टी के अनुशासन से बड़ी नहीं। जो फैसला राहुल गांधी जी करेंगे, खड़गे जी करेंगे, वो हम सबको सर्वमान्य होगा। ये मैं हुड्डा जी की ओर से भी कह रहा हूँ, शैलजा जी की ओर से भी कह रहा हूँ और बाकी सब साथियों की ओर। अब दीपेंद्र हुड्डा को भी सुनवाते हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। और हरियाणा देश के सबसे विकसित राज्य के रूप में उभर के आए, सबसे खुशहाल राज्य के रूप में उभर के आए, ये हमारा लक्ष्य था बदलाव का। वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है हम सब ने। इसके आगे यहाँ तक किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी एक प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है, विधायक दल चुन के आता है, विधायक दल की बैठक होती है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर भेजे आते हैं जो विधायक दल से बातचीत करके उनकी धारणा को केंद्रीय नेतृत्व के लिए पहुंचाता है और केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से जो अंतिम फैसला करे वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस का परिवार उस फैसले को आगे लेके बढ़ते हैं, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। तो अभी नतीजे नहीं आए हैं, परिणाम कल आएंगे, लेकिन उसके पहले अपनी अपनी दावेदारी है। अभी तो एग्जिट पोल के नतीजे से गदगद हैं, एग्जिट पोल के नतीजे कल आएंगे, जनता के मन में क्या है कल पता चलेगा, खुलासा होगा।